पिछला जो विधायक था वेद प्रकाश, उसने धोखा दिया, धोखा देके भाग गया। दो साल में एक बार भी मेरे पास नहीं आया बताने के लिए कि यहाँ पे इलाके की कितनी बुरी हालत है। अभी ये रामचंद्र जी हैं, ये आज मेरे को लेके आए हैं, इन्होंने पूरा इलाका घुमाया है। सड़कों का बुरा हाल है, पानी की समस्या है। आप लोगों को कह के जा, एक महीने के अंदर ये सारी सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी और तीन महीने में सारी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। अभी अभी मेरे को यहाँ पे बताया कि पानी बहुत गंदा आ रहा है। यहाँ पे जल बोर्ड के अधिकारी भी मेरे साथ हैं, उनसे मैं कहूंगा पानी गंदा क्यों आ रहा है उसको ठीक कराएं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने कहा है तीन हफ्ते लगेंगे। जहां जहां पानी नहीं आ रहा, तीन हफ्ते के अंदर जे जे क्लस्टर के अंदर पानी आना चालू हो जाएगा, तीन हफ्ते लगेंगे। अब ये रामचंद्र जी यहां से खड़े हो रहे हैं, अभी तो चुनाव का काम शुरू भी नहीं हुआ, मेरे को ये गली गली में घुमा रहे हैं। इन्होंने कहा जी चुनाव की बात अलग है, पहले मेरे इलाके को ठीक कर दो। तो आज मैं सवेर से पूरे इलाके में घूम रहा हूँ। अभी शाबाद डेरी गया था, सारी सड़कें देख के आया। ये आपकी जितनी सड़कें और गलियां हैं, एक महीने के अंदर बननी चालू हो जाएंगी, एक महीने में बननी चालू हो जाएंगी, तीन महीने में बनके तैयार हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूँ, गली बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ये बीजेपी कांग्रेस वालों ने भट्टा बिठा लिया यहाँ का। दूसरी बात, यहाँ पानी की समस्या है। पानी के अफसरों को मैं साथ लेके आया हूँ, वो बता रहे हैं जी तीन हफ्ते के अंदर आपके यहाँ पे पानी आना चालू हो जाएगा, पानी की समस्या दूर हो जाएगी।